तो लो जी दोस्तों, एक बार फिर से मैं पहुंच गया हूं आपके लिए ना नॉनवेज की वीडियो शूट करने। जी हां दोस्तों, आज मैं आया हूं जम्मू में। जी हां दोस्तों, मैं पहुंचा हूं बिट्टू फिश वाले पे, जो कि जम्मू में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो भी लोग यहां आते हैं ना, इनकी जो फिश फ्राई है वो खाए बिना नहीं जाते यहां पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटी सी रेडी लगा रखी है इन्होंने, ये देखिए अंकल हैं, और यहीं पे वो जो फिश फ्राई है ना, इनकी स्पेशल फिश फ्राई बनाते हैं। और इनका फिश फ्राई है ना बड़ा यूनिक है, क्योंकि इसका जो बैटर होता है ना वो बहुत ही पतला होता है। जो असली टेस्ट होता है ना वो फिश का आता है, ना कि उसके ऊपर बैटर का, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं, अंकल से बात करते हैं और समझते हैं बेसिकली किस तरीके से बनाया गया है और उसका टेस्ट कैसा है। आ जाओ। हेलो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं बिट्टू जी, जो कि इस रेडी को लगाते हैं, स्टॉल को लगाते हैं बेसिकली। तो सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। और कब से लगा रहे हैं सर ये स्टॉल आप? ये हमारा चल रहा है 1949 से। क्या बात है दोस्तों, बहुत पुरानी शॉप है। और देख सकते हो किस तरीके से ना यहाँ पे बड़ा बढ़िया तरीके से ना अंकल फिश को काट रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पीसेस काट रहे हैं हम? ये सर विद बोन वाली फिश है, अगर कोई ऑर्डर देगा तो उसको हम बोनलेस ही करते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा हमारे विद बोन वाली ही पसंद करते हैं, सिंगल बोन होती है ना इसमें, ज़्यादा विद बोन वाली ही पसंद करते हैं। अगर कोई बोनलेस बोले, स्किन पर बोले, तो वो भी हम कर देते हैं। अच्छा, तो वो भी आप करके देते हैं। और कौन सी फिश यूज़ करते हैं सर यहाँ पे? सर सिंगाड़ा आती है हिमाचल से। सिंगाड़ा ये नूरपुर से आती है हिमाचल से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या प्राइसिंग होती है सर इसकी? इसके 250 रुपीज़ की, 250 ग्राम है। 250 ग्राम है। और टाइमिंग क्या है सर शॉप की आपकी? सर ये गर्मियों में है कोई 4 बजे से लेकर रात को 9:30 तक, तो सर्दियों में ये 3 बजे से लेकर रात को 9:30 तक। 9:30 तक। और जो ये सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में यहाँ पे आप लगाते हैं या? बिल्कुल सर, ये सीज़न होता है इसका 1 जून से 1 अगस्त तक, इस वक्त इसके ऊपर हिमाचल गोर ने जो बैन लगा देती है। बैन लगाते हैं फिश पे? फिश ब्रीडिंग सीजन होता है उन दिनों में। ओके, क्या बात है। तो हमारा काम हिमाचल वालों के साथ ही है, इसलिए हम 2 महीने के लिए काम ऑफ करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इस सीज़न में आ रहे हैं ना, जैसे जून से अगस्त के बीच में सर ने बोला, तो उस टाइम पे नहीं रहते, जून और जुलाई में, तो उस टाइम पे नहीं होते, मगर और पूरे साल आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना जी। तो क्या खासियत है सर, लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है आपकी फिश? पहली बात तो ये है, ये बिल्कुल फ्रेश वाटर की फिश है, ये कोई केमिकल वाली फिश नहीं है, कोई आइस वाली फिश नहीं है। ये रात को 11 बजे पैकिंग होती है और सुबह हमारे पास पहुँच जाती है ये 5 बजे, और फ्रेश फ्रेश इसकी सेल हो जाती है। अच्छा, प्लस तेल हम डेली चेंज करते हैं, तो ये मसाला हमारा सीक्रेट मसाला ही है। क्या बात है, गर्म मसाला है। ये आपको दिखने में लाल मिर्च लगेगी, मगर ये हमारा ये कश्मीरी मसाला ना टोटली वही हमारा ये। तो मतलब कश्मीरी मसाला और सारे मसालों का जो मिक्सचर है वो इसी में मिक्स किया हुआ है। एक ही मसाले रखे हैं आपने, इसके अलावा आप मसाले बहुत मतलब डालते ही नहीं है? बड़े कम डालते हैं मसाला, कोई हमारी फिश में नमक भी लाइट होगा और मसाला भी थोड़ा लाइट ही। अच्छा, क्या बात है। और मैंने सुना है जो आप बैटर बनाते हैं बेसिकली वो बहुत पतला रखते हैं, ताकि जो कोटिंग है हल्की सी कोटिंग देते हैं। ये देखो स्किन से आप दिखाई दीजिए। हाँ, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे स्किन पूरी की पूरी, ताकि जो फिश को ना अच्छे तरीके से कोट, मतलब बिल्कुल कोट ना करे। ज़्यादा कोट लगाएगा तो फिश का टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके साथ, उसका फिश का अपना जो फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाएगा, बेसन का ही टेस्ट आएगा फिर आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए आप पतली मतलब कोटिंग रखते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ना अभी भैया ये फिश को फ्राई करने वाले हैं। ये देखो, ये गया ऑयल के अंदर सीधा और इसको अब तला जा रहा है, और जो खुशबू है ना बड़ी लाजवाब आने वाली, जैसे ये फ्राई होता रहेगा ना धीरे धीरे, तो जो क्रिस्पीनेस है इस फिश के अंदर वो आएगी, और उसके बाद जो हमारी फिश निकलेगी ना वो भी बिल्कुल कुरकुरी करारी निकलने वाली है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अब फिश इस बड़े से बर्तन के अंदर भैया ये लगा रहे हैं। ये देखो, तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से ना फिश की कटिंग की जाती है ये पीसेस। तो मतलब क्या क्या रेट क्या है सर इसका, एक प्लेट का कितना बताया था आपने? सर ये 250 रुपीज़ की, 250 ग्राम है। 250 की, 250 ग्राम। अच्छा, क्या बात है। तो मतलब कस्टमर्स तो बहुत आते होंगे यहाँ पे, मतलब शाम को टाइम में, इवनिंग के टाइम में? हाँ, ये बेसिकली अगर सर आजकल गर्मी है ना, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ कम हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा तो होता है कि फिश कम, हर बंदा अवॉइड करता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर से सबसे पहले आपने क्या डाला सर, ये अजवाइन है। अजवाइन क्या बात है, सुबह से ही मैरिनेट करते हैं अजवाइन की। अच्छा, इसको पहले से ही मैरिनेट करके रखते हैं आप? सुबह से ही करते थे मैरिनेट। अच्छा, इसको मैरिनेट करके रखते हैं। तो मैरिनेशन में क्या डालते हैं? अजवाइन डालते हैं, लहसुन अदरक पेस्ट। अच्छा, और नमक। फिर यहाँ पे नमक हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जो सुबह आप मैरिनेशन में डालते हैं वही रहते हैं, शाम को नहीं डालते। तो उसके वजह से जो सारे जो नमक के जो मतलब जो एक होता है ना कि फ्लेवर है वो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है नमक का, और जो पानी है ना फिश का अपना जो पानी होता है वो सारा खत्म हो जाता है। सुबह ही मैरिनेट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो जूसेस हैं
अदरक और लहसुन के प्लस नमक वो फिश के अंदर चले जाते हैं अच्छे से। और अभी देखिए यहाँ पे ना इसको अच्छे से बैटर के अंदर, जो ये बैटर दिख रहा है आपको यहाँ पे, बेसन का बैटर है ये, बेसन है, बेसन उसमें अच्छे से कोट किया जाएगा। तो ये गया, अब इसके ऊपर से हल्का सा मसाला, इनका खुद का जो बनाया हुआ मसाला है वो, और ये ऊपर से गया दोस्तों हल्का सा बेसन। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये बोल भी रहे हैं कि हम बहुत ही कम बेसन लगाते हैं, वो देखिए इस तरीके से बेसन लगाया जा रहा है, अच्छे से कोट किया जा रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें ना बेसन इन्होंने बस थोड़ा सा लिया, और फिश की क्वांटिटी देखी, और जो बेसन लिया था वो बिल्कुल एक हल्का सा लिया था, तो उसकी वजह से जो इसकी कोटिंग है बड़ी पतली सी हो रही है। तो अब दोस्तों किया जा रहा है हमारे फिश को फ्राई। आप देखिए कि बड़े तरीके से ना आप तेल के अंदर, सरसों का तेल यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि ये बता रहे हैं ना, ये डेली फ्रेश सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, और उसमें ही फिश जो है वो फ्राई करके देते हैं लोगों को। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर अभी जो फिश है हमारी वो डाली जा रही है। ये देखिए दोस्तों क्या करारी करारी हमारी जो फिश है ना वो फ्राई होनी शुरू हो चुकी है, और जो खुशबू है वो भी बड़ी लाजवाब आ रही है दोस्तों। मस्टर्ड का ऑयल यूज़ किया गया, और उसमें जो फिश फ्राई करते हैं ना हम, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। जैसे मेरे घर में भी फिश बनती है ना दोस्तों, तो बड़ा मज़ेदार बनती है। तो देख सकते हो दोस्तों जो हमारी फ़िश है ना वो बिल्कुल हाफ़ फ्राई हो चुकी है, और अब यहाँ पे ना इसको रख दिया गया काउंटर पे हाफ़ फ्राई। और हाफ़ फ्राई करने का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे जैसे फ़िश हाफ़ फ्राई करके रखी गई ना, उसके बाद जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा ना तो इसको फुल फ्राई किया जाएगा। तो बेसिकली जो फ़िश है उसको 2 times फ्राई किया जाता है, जिससे जो फ़िश है वो करारी भी बनती है और क्रिस्प हो जाती है। तो इनकी ना जो स्पेशल चटनी है वो है यहाँ पे अनारदाने की चटनी। तो भैया इसके अंदर क्या क्या जाता है चटनी के अंदर? सर प्याज है, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अनारदाना, काली मिर्च होती है। अच्छा, तो ये नमकीन है या मीठी भी है, मतलब है, कैसा होता फ्लेवर? है फ्लेवर खट्टी, थोड़ा सा मीठापन भी आएगा। अच्छा, अनारदाने का फ्लेवर है ना जो, वो भी आपको दिखाई देगा। क्या बात है, देख सकते हो दोस्तों क्या बढ़िया लाजवाब चटनी है यहाँ पे ना, बिल्कुल यूनिक दोस्तों। जम्मू में ना ये बहुत ही जगह पे आपको मिलेगी, हर जगह पे बेसिकली मिलेगी अनारदाने की चटनी, पर जो सर की है ना वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। आइए टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का है टेस्ट। फ्रेंड्स ये हमारी जो फिश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखिए प्लेट के अंदर लगाई जा रही है अब, और ना इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया गया है, 2 बार फ्राई किया गया है ताकि जो फिश हमारे अच्छे से पक जाए और जो आउटर क्रस्ट है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो ये अनारदाने की चटनी के साथ कुछ इस तरीके से सर्व की जाती है। ये देखो ये आ गई हमारी फिश। तो लो दोस्तों टेस्टिंग शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी जो फिश है वो बिल्कुल बनी है ना, गर्मा गर्म है दोस्तों। मैंने अभी प्लेट जो नीचे से पकड़ रखा है ना वो भी गर्म हो रखी है। देखिए क्या किया उन्होंने, ये इनकी जो अनारदाने की चटनी होती है ना बिल्कुल अलग सी चटनी है दोस्तों, ऐसी चटनी मैंने नहीं देखी पहले कभी। हल्की सी ब्राउनिश कलर की है और दानेदार चटनी मुझे लग रही है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि अनार दाना डाला है ना, तो दानेदार ये ऊपर से ही देखने में लग रही है। और जो फिश है बिल्कुल गर्मा गर्म करारी जो फिश हमारी वो तैयार है, और विथ स्किन फिश है दोस्तों, स्किन के साथ ही बनाया गया है। तो जो हमारी फिश है ना बल्कि मतलब बड़ी ही लाजवाब होने वाली है। देखिए कुछ इस तरीके से अंदर से देखिए क्या है, ओ भाई साहब गर्मा गर्म है। ये देखो ज़रा अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, वाह देख रहे हो, और आउटर क्रस्ट देख रहे हो इसकी, बिल्कुल पतली, बिल्कुल पतली, जो हल्की सी लेयर लगाई थी ना बेसन की, बड़ी मज़ेदार। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का इसका स्वाद। भाई गर्मा गर्म है, अभी अभी गर्मा गर्म कढ़ाई से बन के निकली है, चटनी लगाते हैं हल्की सी और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है। आउटर जो क्रस्ट है बिल्कुल क्रंची है, क्रिस्पी है, बाइट लेने में ना वो महसूस हो रहा है, जब क्रंच आ रहा है ना बहुत लाजवाब लग रहा है, और अंदर से जो फिश है बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, बहुत बढ़िया फ्लेवर, बहुत अच्छा है। जो कोटिंग है वो फिश के फ्लेवर को ना ओवर पावर नहीं कर रही, बल्कि फ़िश की जो फ्लेवर है वो आ रही है कोटिंग की वजह से, क्योंकि कोटिंग पतली थी, बहुत बढ़िया। और जो अनारदाने की चटनी है हल्की सी खट्टी है, बिल्कुल कम मिठास है, और बिल्कुल दानेदार है, हल्की सी स्पाइसी, हल्की सी बिल्कुल माइल्ड सी, बहुत बढ़िया। ये देखो है ना मज़ेदार बाइट, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों इस फिश को ना मैं फिनिश करता हूँ, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जम्मू के कुछ और नए फ्लेवर्स ढूंढ के निकालते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।